दोस्तों, देखो ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। हम हैं चैंपियंस। बस गिरने वाली है। और विनर है फर्न एंड लू और मामाडू की टीम। सबने बहुत अच्छा किया। ये हम जीत गए। ये प्लीज मिस, प्लीज मिस, क्या हम फिर से खेल सकते हैं? प्लीज। I'm sorry साइमन, लेकिन अब ब्रेक टाइम है। चलो बच्चों, सारी चीजें हटाओ। हम जीत गए साइमन, देखा ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारी टीम में ज्यादा अच्छे प्लेयर्स थे। वो तुम तो बुरी तरह से हार गए साइमन। तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, फुटबॉल मैच में देख लेंगे और इस बार लू और मामाडू मेरे साथ होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ओलिविया मेरी टीम में होगी। ठीक है, ओलिविया और सोफी तुम्हारी टीम में होंगे। ठीक है। लू, मामाडू, तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? हम सब एक टीम में है, ठीक है? सुपर। सुनो, हम सब तैयार है। मैच शुरू हुआ। पहला गोल मैं करूंगा। तो कर लिया। गोल, गोल! कमाल कर दिया ओलिविया। हाँ, ओलिविया फुटबॉल में सुपर डुपर एक्सपर्ट है। हमारा एक पॉइंट हुआ। ये हमारी टीम बेस्ट है। Hey Simon, बॉल पास करो। मुझे पास करो साइमन। लाओ, इस बार हम गोल करके रहेंगे। अब देखना मेरा सुपर शॉट। हे, ये क्या था? गोल, फिर से गोल। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ओलिविया। लेकिन तुमने मुझे बॉल पास क्यों नहीं की साइमन? वैसे तुम हमें पास कर सकते थे, है ना? वो मैं ना 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 ना, दो पॉइंट्स हो गए। नहीं, तुम्हारे लिए ये आसान था क्योंकि ओलिविया फुटबॉल में सुपर फास्ट है। तुम्हें फिर से बेस्ट टीम मिली। हाँ, तुम हर बार एक ही चीज कहते हो, हम सबसे बेस्ट है, समझे? क्या बकवास है, वैसे भी गेम अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी टीम। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अब हमें और नहीं खेलना। हाँ, हमें मजा नहीं आ रहा साइमन, तुम कभी बॉल पास ही नहीं करते। तुम सब कुछ खुद करना चाहते हो, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। जरूरत है, चलो भी, प्रॉमिस, मैं इस बार बॉल पास करूँगा। तुम डर गए क्या? चलो आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बस एक सेकेंड आए, अब चलो भी फुटबॉल खेलते है। नहीं, कहा ना हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। साथ मामाडू और लू, हम कर दे सबको छू। हम है सबसे बेस्ट, कर दे पास सब टेस्ट। तुम ठीक हो साइमन? हाँ हाँ हाँ, तो चलो ये गेम हमें ही जीतना है। ठीक है, हमारे दो पॉइंट्स हैं, तुम स्टार्ट करो। तैयार हो दोस्तों? अब बॉल मुझे पास करो साइमन। पास। ये लो मामाडू। ये लो लू। चलो ओलिविया, तुम्हें बस एक और गोल करना है। नहीं, लेकिन फर्डिनेंड, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अभी तक जीते नहीं हो, सिर्फ ड्रॉ हुआ है। तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी ही होगी, मुझसे ही सब कुछ क्यों करवा रहे हो? हाँ ठीक है ओलिविया, मैं अभी गोल करने वाला हूँ। अरे नहीं। यस, अब आगे बढ़ो साइमन। हाँ, मैं संभाल लूंगा। और ये है सुपर डुपर शॉट। हम हैं चैंपियंस। हम हैं चैंपियंस।
परम ब्रेक के बाद टीम बदलेंगे। बिल्कुल नहीं फर्डिनेंड, मैं इतनी अच्छी टीम को नहीं जाने दूंगा। हम हैं सबसे बेस्ट, करके पास टेस्ट। हे मेरे दोस्तों देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। मॉन्स्टर्स सच में नहीं होते। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। हे साइमन, मैं तुम्हारे लिए एक टॉर्च रख कर जाता हूँ, ठीक है? ओके थैंक यू, गुड नाइट दादाजी और दादी जी। कल सुबह मिलते हैं बच्चों, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट गैस्पार्ड। साइमन, तुम्हें रात को डर नहीं लगता? हाँ? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ओ सच में? पर मुझे रात का वक्त सबसे डरावना लगता है साइमन। ऐसा कुछ नहीं है छोटे भाई, तुम डरो मत, अब चलो सो जाओ। मुझे लगता है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। नहीं मेरे छोटे भाई, मॉन्स्टर सच में नहीं होते। तुम आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। जरा बाहर देखो, कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं है। बाहर बहुत अंधेरा है। एक मिनट, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ, अब देखो। देखा गैस पर, कोई मॉन्स्टर नहीं है। दादाजी! दादाजी! ओह, क्यों चिल्ला रहे हो बच्चों? बगीचे में एक मॉन्स्टर था दादाजी। कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। वहाँ एक डरावना मॉन्स्टर था और वो बहुत तेज उड़ रहा था। हाँ हाँ, और उसकी बहुत सारी लाल आंखें भी थी। वो बहुत ही डरावना था दादाजी। हाँ हाँ, मैं आज के बाद कभी 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 नहीं सोऊंगा, मुझे मॉन्स्टर से बहुत डर लगता है। अरे नहीं बच्चों, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर वो क्या था दादी जी? देखा तुमने, तुम भी रात को डरते हो साइमन, तुम भी आज के बाद कभी 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 नहीं सोओगे साइमन। बकवास, मेरी कोई नींद नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। प्लीज दादी जी, हमें बाहर ले चलिए, इसे पता तो चले कि मॉन्स्टर नहीं है। वाह, अच्छा आइडिया है साइमन। वो आवाज कैसी थी? डरो मत, मैंने पैर लकड़ी पर रख दिया। टॉर्च बंद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा साइमन। बंद कर दो, हमें लाइट की जरूरत नहीं। पर दादी जी, अगर टॉर्च नहीं होगी तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर टॉर्च ऑन रखोगे तो मॉन्स्टर कैसे दिखेगा बेटा? और अब कोई आवाज नहीं बच्चों। हाँ, नहीं तो वो मॉन्स्टर्स हमें सुन लेंगे। अरे वहाँ, वहाँ देखो। ओ, वो तो मॉन्स्टर है, वो तो मॉन्स्टर है। नहीं नहीं गैस्पर्ड, उस मॉन्स्टर की आंखें लाल थी, पीली नहीं। हाँ बेटा, क्योंकि ये मॉन्स्टर नहीं, जुगनू है। ओ वाह, जुगनू। दादी जी वो देखिए मॉन्स्टर। आओ चल कर देखते हैं। चलो अपनी टॉर्च ऑन करो साइमन। अरे ये तो बस एक चूहा है। तुम चूहे से डरते हो साइमन? वो मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर है, वो उड़ रहा है और उसकी लाल आंखें भी है। हाँ पर इसकी तो दो आंखें हैं और उसकी बहुत सारी थी। मेरे साथ आओ, मुझे पता है वो मॉन्स्टर नहीं है। ये क्या? तो देखा बच्चों, ये तो एक उल्लू है। उल्लू है। दादी जी, वो देखो मॉन्स्टर। वो देखे, वही मॉन्स्टर दादी जी। ओ, इतना चिल्लाओ मत बच्चों, मैं जानती हूँ वो क्या है। मेरे पीछे आओ। अरे नहीं, वो बहुत तेज है दादी जी, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। टॉर्च बंद करनी चाहिए साइमन, तुम उन्हें डरा रहे हो।
मैं उन्हें डरा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो मॉन्स्टर नहीं है साइमन। वहाँ देखो साइमन। ये तो चमगादड़ों का परिवार है। ओ, ये चमगादड़ तो नहीं लग रहे, मुझे तो ये उड़ने वाले चूहे लग रहे हैं। वो बहुत फनी है। वो सच में बहुत फनी है गैस्पार्ड। देखा गैस्पार्ड, कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा भी नहीं डरा, बिल्कुल नहीं, इतना सा भी नहीं। उल्लू मियां, अब तो हमें सोने दीजिए ना। हे मेरे दोस्तों, देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। तुमने जानबूझकर किया गैस्पर्ड। हे, सुनो, मैं भी, अब मेरी बारी साइमन, अब मेरी बारी है, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, उड़ा लो। अब देखना मैं कैसे उड़ाता हूँ। हे, तुम देखकर तो पतंग उड़ाओ गैस्पर्ड। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया साइमन। दादी जी, क्या आप मेरे साथ इस डकी से खेलेंगी? हाँ, बिल्कुल खेलूंगी मेरे बच्चे। ये मजा आएगा। रुको, मैं आ रहा हूँ साइमन। आ गया। संभल कर गैस्पर्ड। तुमने ये जानबूझकर किया, देखो अब मैं गीला हो गया। और वैसे भी अब तुम पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो? क्योंकि अब मुझे मेरे डकी के साथ खेलना है। दादी जी, मुझे धक्का दीजिए ना प्लीज। मैं सैंड कैसल बनाने जा रहा हूँ दादाजी। हाँ ठीक है बेटा। हाय मैरी। हाय साइमन, यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं सबसे बड़ा कैसल बनाने वाला हूँ। मैं पहले ही एक बना चुकी हूँ, आओ देखो। ये कैसल तो बहुत अच्छा है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है साइमन। मैं आ गया साइमन। क्या मैं तुम्हें इसे बनाने में मदद कर सकता हूँ? गैस्पर्ड, मुझे लगा तुम डकी के साथ खेल रहे हो। हाँ सही कहा, लेकिन मैं असल में बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तुम यहाँ टावर बनाओ और मैं दीवार बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास शॉवल नहीं है साइमन। तुम मैरी से जाकर मांग लो, वो दे देगी। सुनो मैरी, क्या तुम अपना शॉवल दोगी? बिल्कुल, ले जाओ। थैंक यू मैरी। अरे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मत खोदो गैस्पर्ड। तुमने मेरा कैसल तोड़ दिया। सॉरी साइमन। अब जाओ रेत लेकर आओ, मैं फिर से बनाऊंगा। ठीक है। मैं रेत ले आया साइमन, देखो। गैस्पर्ड, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, मैं इसे अकेले ही बना लूंगा। तुम मुझे डांट रहे हो साइमन, वैसे भी तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं मैरी के पास जाता हूँ, वो तुमसे अच्छी है, मैं उसके साथ खेलूंगा। मैरी, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ, पहले तुम मेरे कैसल के लिए सी शेल्स ले आओ। ठीक है मैरी, मैं तुम्हारे लिए सी शेल्स लेके आता हूँ। लो, एक मिल गया। ये तुमने क्या किया गैस्पार्ड? ये मेरी गलती नहीं, सी शेल की गलती है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब जाओ इसमें थोड़ा पानी ले आओ। ये तो बहुत भारी है। अरे नहीं, मेरा सैंड कैसल। गैस्पर्ड, देखा तुमने फिर से मेरा कैसल तोड़ दिया। ओह, तुमने तो मैरी का कैसल भी तोड़ दिया। हाँ हाँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा छोटा भाई सारे काम बिगाड़ देता है। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मैं अकेले ही खेल लूंगा। तुम कहाँ
कहाँ जा रहे हो बेटा? दादाजी आपने देखा मैं अपने आप स्लाइड हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलो फिर से बनाते हैं। मुझे बिल्कुल मन नहीं है। चलो इसके साथ खेलते हैं। अरे वाह, ये तो गैसपार्ट का आइडिया था। ये मेरा आइडिया था और मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो हमें अपने साथ खिलाओगे गैसपार्ट? प्लीज, क्या हम खेल सकते हैं? मैं नहीं जानता। खिला लो ना गैसपार्ट, मान जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है। सॉरी गैसपार्ट, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हे मेरे दोस्तों देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक बनी। आओ खेले। क्या स्विमिंग लेसन है? अरे वाह, पूल में कितना मजा आएगा। मैं तो जाऊंगा और सीधे पानी में कूद जाऊंगा। अरे हाँ, वहाँ तो स्लाइड्स भी है। स्लाइड्स है? हाँ, और तुम खुद देखना गैसपर्ट, स्लाइड्स पर फिसलने में मजा आता है। अरे वाह, तो हम दोनों सारी स्लाइड्स पर खेलेंगे। हाँ हम जाएंगे, लेकिन साइमन के स्विमिंग लेसन के बाद। मम्मा मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। पर तुम स्विमिंग के लिए बहुत छोटे हो गैसपर्ट। पर साइमन मैं इतना छोटा क्यों हूँ? क्योंकि तुम छोटे हो। हाँ, लेकिन ये तो चीटिंग है। लेकिन गैसपार्ट, तब तक हम बच्चों के पूल में मजे करेंगे। क्या बच्चों के पूल में? लेकिन मुझे बच्चों के पूल में नहीं जाना है। पानी कितना ठंडा है ना। चलो बच्चों जल्दी यहाँ आओ, लेसन शुरू होने वाला है। मैं चला स्विमिंग सीखने, लेसन शुरू होने वाला है। साइमन कितना लकी है। दिल छोटा मत करो, चलो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर आज हम क्या करेंगे? हम रेस लगाएंगे या पानी में कूदेंगे या सुपर स्लाइड से नीचे फिसलेंगे? अरे रुको रुको साइमन, पहले हम सबको वार्म अप करना होगा और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके ओके, चलो सब पानी में उतरेंगे। ओ मम्मी मम्मी, यहाँ तो ढेर सारे खिलौने हैं और यहाँ तो वाटर फाउंटेन भी है। वाव, हे साइमन देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरों को चलाएंगे। एक दो और एक और दो, एक दो, एक दो और एक और दो। अब अपने हाथों को हिलाओ, मुझे देखो। एक दो, एक दो, एक दो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, परफेक्ट। अब हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज। हर कोई एक एक रबर रिंग उठाएगा। अरे वाह, रबर रिंग, मजा आएगा। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मम्मी। सुपर फन। साइमन स्विमिंग लेसन कैसी चल रही है? बहुत मस्त, हम इस रबरिंग के साथ सुपर एक्सरसाइज करने वाले हैं। बाद में मिलता हूँ मम्मी। मजे करना बेटा। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो क्या करना है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले रबर रिंग धकेलो, फिर गहरी सांस भर लो इस तरह। एक दो तीन। देखा कितना आसान है। ये मजेदार है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। साइमन जाओ, मैं नजर रखूंगा, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं, इसमें कोई मजा नहीं है। अरे वाह, वाटर फाउंटेन। मैं कोशिश करूंगा। Come on, साइमन, फिर से कोशिश करो, तुम कर सकते हो। तुम ठीक तो हो ना साइमन? हाँ, पर मुझे सुसू जाना है। हाँ हाँ जाओ। मम्मी मम्मी,
क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? ओ नहीं, ये पूल सिर्फ बच्चों के लिए है। तुम्हारी स्विमिंग लेसन खत्म हुई? मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मुझसे नहीं होगा। चलो चले गए स्पार्ट, हम दोनों मिलकर साइमन को चीयर करेंगे। नहीं मम्मी, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, लेकिन मैं साइमन के साथ बड़ों के पूल में जा रही हूँ। अरे वाह, बड़ों के पूल में। आगे बढ़ो साइमन, गहरी सांस लो और सबसे जरूरी अपने नाक बंद करो। कम ऑन साइमन, अपने नाक बंद करो। मम्मी मम्मी, मैंने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया साइमन। तुम कमाल के हो साइमन। क्या बात है साइमन, तुम सीख गए। हाँ सर, बहुत आसान था। अब अगली एक्सरसाइज कौन सी है? संभाल कर और नाक बंद करना मत भूलना। ये! हे मेरे दोस्तों, देखो ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। बर्फ में हो गए गुम। तुम्हें क्रिसमस पर क्या गिफ्ट मिला फर्डिनेंड? मुझे एक सुपर रोबोट मिला है, बड़ा वाला। वो दिखने में बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी। वो हाय साइमन, हेलो फर्डिनेंड। हाय लू। वाह, तुम्हारी बॉल तो बहुत अच्छी लग रही है लू। थैंक यू, मुझे क्रिसमस में मिली है। तुम्हें क्या मिला साइमन? मुझे सुपर सोनिक रिमोट कंट्रोल कार मिली है और वो बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ती है। वाओ, क्या बात है। हे साइमन, क्या तुम मुझे अपनी सुपरसोनिक कार दोगे? मैं तुम्हें अपना सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग रोबोट दूंगा। हेलो बच्चों। हेलो मिस। क्या तुम्हें छुट्टियों में मजा आया? हाँ, और अब हम एक दूसरे से मिलकर खुश हैं। बहुत बहुत खुश। और हमें क्रिसमस पर बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं मिस। देखिए मिस, मुझे बॉल मिली है। ओ, तुम सब बहुत लकी हो क्योंकि तुम लोगों को मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलो फुटबॉल खेलते हैं। चलो। और ये लो। इसे मैं मारूंगा। अब तुम्हारी बारी साइमन। सुपर शॉट। किक मैं मारूंगा। हटो दोस्तों। वाह, क्या बात है लू। आ जाओ बच्चों, क्लास का टाइम हो गया। हे देखो, मैंने सुपर रोबोट बनाया है। ये कितना अच्छा है ना? मैंने फुटबॉल गेम बनाया है। तुमने क्या बनाया है साइमन? वाओ, देखो बाहर बर्फ गिर रही है। वाओ, बहुत सुंदर है। अब हम स्नोबॉल से खेल पाएंगे दोस्तों। ओ हाँ, सुपर। फिर तो हम स्नोबॉल फाइट भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, ब्रेक टाइम में तुम सब स्नो में खेल सकते हो। अब अपनी सीट पर बैठ जाओ। देखो मैंने क्या बनाया, लू को ड्रॉ किया। लू, ये तुम्हारे लिए। ओ थैंक यू साइमन। ओ, लेकिन तुम मेरी एक इयररिंग भूल गए। नहीं मैं नहीं भूला, क्योंकि तुमने एक ही पहनी है लू। ओ नहीं, शायद वो प्लेग्राउंड में गिर गई होगी। ओ नो, अब इतनी स्नो में उसे कैसे ढूंढूंगी? हे, फिक्र मत करो लू, ये मिशन है सुपर रैबिट का। और अगर हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे तो तुम्हारी इयररिंग जल्दी मिल जाएगी। हम साथ साथ हैं। ये! क्या तुम्हें मेरी इयररिंग मिली? नहीं, वो मुझे नहीं मिली।
उफ, ये बहुत मुश्किल है, हमें वो कभी नहीं मिलेगी। और वैसे भी इयररिंग बहुत छोटी है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। हाँ सही कहा, हम ढूंढ कर रहेंगे। हाँ, सुपर रैबिट कभी हार नहीं मानते। मैं चला सुपर सोनिक स्पीड में। हाँ मैं भी सुपर सोनिक हूँ। हे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तो हो जाए स्नोबॉल फाइट। ये कुछ ठीक है ना बच्चों, मजा आ रहा है ना? हाँ जी पापा, हमें तो बहुत मजे आ रहे हैं। अरे वाह, यूं ही एंजॉय करो। हमें इसे पानी से धोना होगा, चलो जल्दी। अच्छा ठीक है साइमन। मदद नहीं करोगे ब्रो? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। रुको पानी में साबुन मिलाता हूँ। सफाई के लिए हम तैयार। अब तो निशान जरूर जाएगा। लो हो गया। अरे वाह, तुमने कमाल कर दिया साइमन। अब हमें सिर्फ ये पानी फेंकना होगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बस एक मिनट वेट करो, मैं अपने हाथ धोकर अभी आता हूँ। इस तरफ कैस्पर। अब रास्ता साफ है कैस्पर, चलो चलते हैं। और बिल्कुल भी आवाज मत करना। जल्दी करो कैस्पर, तेज चलो। संभल कर साइमन, तुम पानी गिरा रहे हो। आवाज मत करो।
चलो ये पानी सिंक में फेंक देते हैं। हाँ सिंक सही रहेगा। उठाओ थोड़ा ऊपर गैसपर और ऊपर। अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया। अरे नहीं पापा आ रहे हैं। जल्दी हमें ये बॉल छुपाना होगा। जाओ जल्दी चलो यहाँ से गैसपर्ड। मुझे हो क्या गया है? आप ठीक तो है ना? मैंने पूरा घर गंदा कर दिया बच्चों। आपने घर गंदा किया? हाँ मैं अपने जूते उतारना भूल गया और देखो क्या हो गया। रुको अभी साफ करता हूँ। गैसपर्ड पापा को लगता है कि उनकी वजह से फर्श गंदा हुआ है। पर गलती उनकी नहीं है, ये पानी तो हमने गिराया है। ब्रो बहुत गलत हुआ, पर अब हम क्या करें? हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। पापा। हाँ हाँ बोलो क्या बात है बेटा। गैसपर्ड मेरे भाई तू ही बता देना प्लीज। अरे नहीं 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 साइमन तुम ही बता दो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पापा। क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? पापा मैंने गलती से दीवार पर रंग लगा दिया। मैं पानी से साफ कर रहा था और जब हम पानी फेंकने गए किचन ले जाते वक्त पानी फर्श पर गिर गया, तो ये हमने गंदा किया है, आपने नहीं पापा। हाँ ये सच है पापा, सॉरी। कोई बात नहीं हम मिलकर साफ करेंगे। अरे हाँ, ये। ओ, क्या तुमने हमारा बोल देखा? वो तो मैंने फ्रिज में छुपा दिया था। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी नीचे तो देख ले आपने फर्श गंदा कर दिया। उप्स, अरे ये मैंने क्या कर दिया? हे मेरे दोस्तों देखो ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। पहले मुझे मिला। ये देखो मेरी सुपर केक। मैं बॉल लेकर आता हूँ गैसपर्ड। हे ये देखो छोटे भाई। ये तो स्केटबोर्ड है। पर ये किसका होगा? क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं साइमन? हाँ अगर कोई मांगने आए तो हम उसे दे देंगे। अरे वाह तुम दोनों को मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ बहुत मम्मी। पहले मैं खेलूंगा। रुको पहले मैं चलाकर दिखाऊं। वैसे भी स्केटबोर्ड पहले मुझे मिला था। ठीक है तुम ध्यान से देखो गैसपर, ये आसान नहीं है। तो देखा तुमने गैसपर, मैं चला। रुको ये तो मजेदार है। मेरी बारी, अब मेरी बारी है। ओके ओके अपना एक पैर बोर्ड पर रखना और दूसरे से ऐसे धकेलना। हाँ, मैं समझ गया साइमन। ओह तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ लेकिन स्केटबोर्डिंग मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर साइमन क्योंकि मैं इसे अकेला नहीं चला सकता। लो हम चले। मैं सीख गया, मैं स्केटबोर्डिंग सीख गया। ओ साइमन नहीं साइमन हम तेज जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। ओ डरो मत, सुपर रैबिट जब हो साथ तो घबराने की क्या बात। वाओ एक स्केटबोर्ड। स्केटबोर्डिंग एकदम बकवास है, बार बार गिरते हैं। नहीं नहीं इस बार नहीं गिरेंगे, हम जल्दी सीखेंगे। अब चलो स्केटबोर्ड ढूंढते हैं। ओह क्या बढ़िया स्केटबोर्ड है, मजा आएगा। हाय फर्डिनेंड कैसे हो दोस्त? हाय साइमन ये स्केटबोर्ड तुम्हारा है? नहीं ये तो हमें गार्डन में मिला। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो फिर ये मेरा हुआ। हे ये गलत है, ये स्केटबोर्ड हमें मिला था। हाँ साइमन सही कह रहा है। अगर ये स्केटबोर्ड तुम्हारा नहीं तो फिर सबका हुआ। अगर ये सबका है तो मैं भी स्केटिंग कर सकता हूँ ना? हाँ ठीक है तो हम बारी बारी स्केटिंग करेंगे। जाओ पहले मैं, सबसे पहले मैं जाऊंगा।
नहीं, मेरी बारी है। मैं इसे एक बार भी नहीं खेला। हे, अब मेरी बारी है। मेरी बारी, मेरी नहीं, बारी। रुको, मैं गिर गया था गैस पर। वो मुझे दो। स्केटबोर्ड मुझे दो फर्डिनेंड। रुक जाओ गैस पर, थोड़ी देर फर्डिनेंड को भी खेलने दो। ऐसे तो मैं और थक जाऊंगा। रुको मेरे दोस्त, मैं तुम्हें धक्का मारता हूँ। अरे वाह, सुपर। मेरे लिए रुको, मुझे भी स्केटबोर्ड पर आना है। ठीक है, तुम भी आ जाओ गैस पर। तो अब चलो। लो हम चले। बहुत मजा आ रहा है साइमन। अरे कोई रोको। तुम्हारा है? हाँ, मैं कब से वो स्केटबोर्ड ढूंढ रही हूँ। रुक जाओ। रुक जाओ दोस्तों, वो लू का स्केटबोर्ड है। अब इसे कैसे रुकाऊं साइमन? पैर से रोको फर्डिनेंड। लेकिन ये रुक नहीं रहा। हम गिरने वाले। हमने तो बहुत मजा किया। देखो ये स्केटबोर्ड लू का है, हमें ये वापस देना होगा। हाय लू। स्केटबोर्ड ढूंढने के लिए शुक्रिया दोस्तों। वाह, क्या स्केटिंग करती है। अब किसके साथ खेलेंगे? हे, तुम दोनों को देखकर मुझे मजा आ रहा था। क्या हम तीनों एक साथ स्केटिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये! मेरे लिए रुको दोस्तों, क्या हम चारों इस पर नहीं बैठ सकते? हे मेरे दोस्तों, देखो। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। जंगल में परियां। ये हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, और हम टेंट में भी सोएंगे। वहाँ बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए चलते हैं दादी जी। हाँ हाँ चलते हैं। क्या तुम तैयार हो बच्चों? तैयार है। तो लो हम चले। ये। और आज रात बच्चों, मैं तुम्हें जंगल की परियां दिखाऊंगा। परियों जैसा कुछ होता ही नहीं दादाजी। क्या? बिल्कुल होती हैं। और तो और, उनके पास जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। वाह, ये तो बड़ा टेस्टी है। ओ हाँ, बहुत ही टेस्टी है। अब रात हो चुकी है, जंगल की परियां बाहर खेलने आती हैं। तो चलो उन्हें ढूंढें। ओ हाँ। ठीक है बच्चों, जाओ अपने दादाजी के साथ जाओ। ठीक है ठीक है, तो मैं टॉर्च ले लेता हूँ। हे, रुको गैस्पर, मैं लाइट दिखाता हूँ। ठीक है। अब संभल कर बच्चों, कोई भी आवाज मत करना, परियां आसानी से डर जाती हैं। ठीक है? ओ हाँ, ठीक है ठीक है। आपने देखा दादाजी, यहाँ पर एक भी परी नहीं है। तुम्हें टॉर्च बंद करनी पड़ेगी साइमन, फिर दिखेंगी। ओ, ओ, वो देखो। वाओ, ओ, परियां। वाओ। वो परियां नहीं है गैस्पर, वो तो जुगनू है। क्या कहा, वो जुगनू है? देखा दादाजी, अब तो मान लीजिए कि परियां नहीं होती है। सही कहा साइमन, ये असल में जुगनू ही हैं। यहाँ सच में परियां हैं, मेरा यकीन करो। शायद वो चली गई होंगी क्योंकि हम बहुत शोर मचा रहे हैं। ऐसा नहीं है दादाजी, आप बस कहानियां बना रहे हो। ये सच है, तुम्हारे दादाजी को कहानियां सुनाना पसंद है। पर दादाजी, आप तो कह रहे थे कि परियों के पास जादुई शक्ति होती है। हाँ बिल्कुल होती है गैस्पार्ड बेटा। अच्छा, तो उनके पास कैसी शक्ति होती है? पहली शक्ति है, वो जंगल के जानवर बदल सकती हैं।
वाओ, क्या सच में बदल सकती है? हाँ, पर ऐसा नहीं हो सकता दादाजी। वो टॉर्च मुझे दो। थैंक यू। तुम्हें छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं? कल तक परियां इन सब मछलियों को छोटे छोटे मेंढक बना देंगी। हाँ, क्या सच में? वाओ, सुपर। ठीक है, पता चल ही जाएगा। तो चलो कुछ लाते हैं और इन्हें पकड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम इन्हें टेंट्स के बाहर रख देंगे। यस। अरे, ये मछलियाँ तो बहुत तेज हैं। मैं इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पीछे है साइमन। ओह, क्या तुम ठीक हो साइमन? देखो देखो, मैंने एक मछली पकड़ ली। हे, बहुत अच्छे साइमन। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, सोने का वक्त हो गया। और हाँ, हम कल देखेंगे कि यहाँ पर परियां थी या नहीं। हाँ जरूर दादाजी। प्यारी मछली, तुम यहाँ सो जाओ। और अगर तुम बदलना चाहो तो ज्यादा आवाज मत करना, ठीक है? वरना तुम्हारी आवाज से परियां डर जाएंगी। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट दादी जी। गुड नाइट दादाजी। हे साइमन, तुम सो गए क्या? अरे कहां, दादाजी इतने खर्राटे जो मार रहे हैं। दादाजी, खर्राटे मारना बंद कीजिए। हे, वहाँ देखो गैस्पर और जुगनू आ गए। नहीं नहीं, वो तो परियां होंगी साइमन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परियां होती ही नहीं है। ओह ओह, देखो गैस्पर। दादाजी, दादी जी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना बच्चों? देखो तो, वो छोटी मछली मेंढक बन गई। हाँ, क्योंकि परियां आई थी, ये उन्होंने ही किया होगा। देखा तुमने साइमन, परियां होती है। दादाजी सही कह रहे थे। दादी जी, इस मेंढक को तो देखो। तो दादाजी, वो छोटी मछली नहीं, असल में मेंढक के बच्चे थे, है ना? और उन्हें टैडपोल कहते हैं साइमन। पर बाय बाय छुटकू मेंढक। हे मेरे दोस्तों, देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। रोलर स्केटिंग मजेदार है। आज का स्कूल खत्म हुआ बच्चों, लेकिन कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल हम कुछ रोलर स्केटिंग करेंगे। हाँ? ओ, ये रोलर स्केटिंग, ये तो मजेदार है। मुझे रोलर स्केटिंग बहुत पसंद है। मैं ये पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ और दोस्तों कल बहुत मजा आने वाला है। ओ हाँ, मुझे भी बहुत मजा आने वाला है। मैं अपने सबसे तेज वाले रोलर स्केट्स लाऊंगी। और तुम साइमन, तुम्हें रोलर स्केटिंग पसंद है? मैं मुझे भी पसंद है। ओ सच में साइमन, इसका मतलब हम सब मिलकर कल स्केटिंग कर सकते हैं ना? ये, कैसे हो तुम बेटा? तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, पर हम पार्क चले मम्मी, मुझे रोलर स्केटिंग की प्रैक्टिस करनी है। हा? क्या, अभी जाना है? हाँ हाँ अभी मम्मी, मुझे लूअर फर्डिनेंड जितना अच्छा बनना है, क्योंकि वो पहले से सुपर डुपर फास्ट है। ठीक है साइमन, पहले रोलर स्केट्स ले लेते हैं फिर पार्क चलते हैं। रोलर स्केटिंग मजेदार है। ठीक है, अब चलने की कोशिश करो। बहुत अच्छे, एक बार फिर कोशिश करो। साइमन तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो फिर से करते हैं। तुम तैयार हो? अब जाओ। यहाँ देखिए मम्मी, मैं कर रहा हूँ। ओ साइमन, मम्मी, मैं आ गई हूँ साइमन, तुम ठीक हो? बहुत मजा आया। और तुम इस बार बहुत लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़े रहे थे, तुम बहुत जल्द सीख जाओगे।
मुझे सीखना ही होगा वरना कल स्कूल में लू और फर्डिनेंड मेरा सबके सामने मजाक उड़ाएंगे। चलो शुरू करता हूँ। चलो ना मॉम, मुझे कल के लिए प्रैक्टिस करनी है। पर हुआ क्या है साइमन? ओ लू, ये यहाँ पर क्या कर रही है? साइमन, क्या तुम लू के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते? मैं अभी तैयार नहीं हूँ मम्मी, मुझे लू के सामने नहीं जाना वरना वो मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं बकवास स्केटर जो हूँ। तुम बकवास स्केटर नहीं हो साइमन, कुछ भी मत बोलो, तुमने अब तक काफी सीख लिया है। सच में मम्मी, आपको सच में लगता है मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, चलो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि लू हमें देखे, हम वहाँ पर जाकर स्केटिंग करते हैं। हाँ ठीक है, जब तुम चाहो बेटा। ठीक है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है मम्मी, अब मैं खुद से कोशिश करके देखता हूँ। हाँ तुम कर लोगे सामने। देखो मम्मी, मैं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। लू जरा संभल कर। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो लू, पर असल में मुझे अच्छे से स्केटिंग करनी नहीं आती। दरअसल मुझे भी नहीं आती। तो मतलब तुम भी अभी रोलर स्केटिंग में कच्ची हो? हाँ, मैं कल स्कूल के लिए प्रैक्टिस करने आई हूँ। पता है तुम्हें, मैं भी। हेलो लू, लगता है अब तुम दोनों साथ में प्रैक्टिस कर सकोगे। ये अच्छा आइडिया है, हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुपर आइडिया, और कल फर्डिनेंड हमारा मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। तुम्हें नहीं लगता फर्डिनेंड रोलर स्केटिंग में माहिर है? हाँ लगता तो है, उसने कहा था वो पूरा दिन स्केटिंग करता है। हाँ वो बहुत फास्ट स्केट कर रहा होगा। पर फिक्र मत करो, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और कल स्कूल में देखना हम भी सुपर डुपर होंगे। ये, चलो। हे, हमें देखो साइमन, हम कर रहे हैं, हमें रोलर स्केट करना आ गया। ओ हाँ, सही कहा, हम अच्छे से चलाने लगे। लू जरा वहाँ देखो। अरे वो तो फर्डिनेंड है, लगता है वो भी स्केटिंग प्रैक्टिस करने आया है। अरे दोस्तों, तुम भी यहाँ हो? देखो मैं कितनी अच्छी तरह से रोलर। मेरा हाथ मत छोड़ना पापा, प्लीज। पता है तुम भी हमारे जितने ही अच्छे हो फर्डिनेंड। सच कह रहे हो साइमन? मतलब तुम भी मेरी तरह स्केटिंग करते हो? रोलर स्केटिंग मजेदार है। हे मेरे दोस्तों, देखो ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक खट बनी। आओ खेले। मिलू और बर्फ। अब मैं तुम पर फेंकूंगा साइमन। तुम्हारा निशाना बेकार है। निशाना इसे कहते हैं। तुम्हारा निशाना चूक गया साइमन। वो देखो गैस्पर, मीलू घर के अंदर बंद है। बेचारा मीलू। लेकिन वो बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि बाहर इतनी बर्फ जो गिर रही है। हाँ साइमन, क्योंकि वो बर्फ में नहीं चल सकता और वैसे भी इसके छोटे छोटे पैर बर्फ में जम जाएंगे। हे, अगर मीलू के लिए बूट्स ले आए तो? ओहां, इसके लिए छोटे बूट्स ताकि वो बर्फ में चल सके, है ना? चलो गैस्पर। मेरे लिए रुको साइमन, रुको। तो ये है हमारे सुपर बूट्स। गैस्पर, क्या तुम्हें टेडी बियर के बूट्स मिले? हाँ हाँ, मुझे मिल गए साइमन, ये देखो। क्या बात। ये देखो मीलू, हम तुम्हारे लिए बूट्स लाए हैं। हाँ, ताकि तुम बर्फ में चल सको। हे मीलू, वापस आ जाओ, हम तीनों मिलकर बर्फ में खेलेंगे, चलो। हाँ, ये क्या, एक बूट निकल गया। मीलू वापस आ जाओ। वापस आओ और अपना बूट पहन लो मीलू। अरे यहाँ और एक बूट है। हाँ, वो बेडरूम में कहीं छिपा होगा। हम जानते हैं कि तुम यही कहीं हो मीलू। ला 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 ला।
जानता हूँ कि तुम यहीं पर छुपे हो मिलू। मिलू तुम कहाँ हो? मेरी सुपर डुपर लेजर लाइट से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मिलू। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे मिलू, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें ढूंढ लिया मिलू। ओह इस बार तुम हमसे नहीं भाग सकते मिलू। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ओ रुक जाओ मिलू, जल्दी गैस्पर्ड वो बाथरूम में चला गया। मिलू वापस आ जाओ, तुम्हारा एक और बूट निकल गया। मुझे पता है वो यहीं पर है। तो वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा साइमन? बाथटब के अंदर छुपा हुआ है, चलो उसे जाके सरप्राइज करते हैं। तुम्हें हमने ढूंढ लिया। अरे वो यहाँ नहीं है। तो मिलू कहाँ चला गया? हुँ? देखो साइमन टॉवेल अपने आप चल रहा है। अरे ये तो मिलू है, ये लुका छुपी खेलने में माहिर है। अरे कहाँ भाग रहे हो मिलू? नहीं मिलू वापस आ जाओ। रुको मिलू, तुमने अपने बूट्स नहीं पहने। अरे नहीं बिना बूट्स के तो मिलू को ठंड लगेगी। हे जल्दी चलो, हमें उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा। पापा आपने मिलू को देखा? वो अभी बाहर आया। नहीं मैंने तो उसे नहीं देखा। अरे नहीं उसे बहुत ठंड लग रही होगी। ओ चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, यहीं कहीं होगा। कहाँ हो तुम? मीलू कहाँ गायब हो गया? अरे नहीं ये देखो यहाँ पर। ये पैरों के निशान तो मीलू के ही लगते हैं। मीलू उस तरफ गया है। ये देखो पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं, शायद वो पेड़ के अंदर छुपा होगा। देखा वो यहीं पर है। हे सुनो मिलू अब चलो बाहर आ जाओ। हाँ तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए ताकि तुम्हें बर्फ में ठंड ना लगे। उसके बूट्स? हाँ पापा हम चाहते थे कि वो बूट्स पहने। पर बिल्लियाँ बूट्स नहीं पहनती बच्चों। हम चाहते थे कि वो बाहर आकर हमारे साथ बर्फ में खेले। मेरे पास उससे अच्छा आइडिया है, अब ध्यान से सुनो। हाँ अब सुनो गैस्पर, तुम स्लेज लेकर आओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ओ हाँ ठीक है साइमन। मिलू बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो आओ हमारे साथ खेलो मिलू। देखा गैस्पर, इसे हमारा सरप्राइज पसंद आया। मिलू को बूट्स पसंद नहीं थे पर इसे स्लेजिंग पसंद है। तो तैयार हो मिलू? ये!